जी सर बताइए, आज का जो प्रोग्राम रहा किस तरह से प्रोग्राम रहा और कल की क्या तरतीब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहले बैत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तमाम नाज़रीन को आज के इस मुबारक दिन के जो हज़रत सैयद शाह मुहियुद्दीन शाह कादरी अल मारूफ कम्बलपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह का जो 168वां संदल उरूस शरीफ में जो शामिल हुए उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो दूर अपने घरों में रहकर अपनी अपनी दुआओं से अपनी अपनी मन्नतों से हमारे साथ रहे उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये संदल शरीफ उसका जो जुलूस रहा वो बड़े आलीशान पैमाने पर आलीशान तरीक़े से अदब एहतराम के साथ कम्बलपोश दरगाह से निकल कर शहर की शहराओं से गश्त करता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा और दरगाह शरीफ में सलाम फातिहा खानी और सरकार डॉक्टर खालिद जिलानी साहब जो जद्दी कादरी अलवासिली हैं और बड़े पीर के औलाद हैं और हजरत हमारे मोमिन बादशाह कादरी सरकार केसर मड़वी के सज्जादे हैं, तो उन्होंने दुआ फरमाई। इस दुआ में तमाम आशिकान का जो माहौल था, जो उनका जहन था, वो कहीं और था, यहाँ नहीं था। जो लोग देखे हैं वो इसके शाहिद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पुरकैफ और बड़ी अच्छी दुआ रही। और इसके बाद आज बाद नमाज ईशा से ही लंगर खाने का यहाँ अहतमाम रहा और तमाम उशाखाने अलिया उशाखाने रसूल जो जारीन आए थे तमाम ने सैर होकर तब्रुक को लंगर को खाया है और इस लंगर को उनके हक़ में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनको शिफा वाला दवा वाला ये लंगर उनको मिला है। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं जो आज की महफिल में आए हैं उन तमाम की हाज़िरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए और वली के दर पर अल्लाह के घर के दामन में वली के दर पर हज़रत कम्बलपोश बाबा के रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जो अल्लाह की रहमतें नुज़ूल होती हैं वो हम तमाम को अता हो। आज के पूरे प्रोग्राम में लाइन आर्डर पुलिस का बहुत अच्छा इंतज़ाम माहौल इंतज़ाम रहा, ट्रैफिक पुलिस का बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा और कदम ब कदम हर नाके पर हर चौराहे पर पुलिस तैनात थी और हमें बड़े आसानी से जुलूस का जो जुलूस हमारा ले जाना था रास्ते में वो साफ कर हमें रास्ता बड़े आसानी से दिए। इंशाल्लाह आज हमारे ज़मीर अहमद साहब भी आना था, वो शायद आज जलील है और कल आने की बात किए हैं विज़िट ज़मीर अहमद खान साहब जो वज़ीर औक़ाफ़ हैं और कल की जो उर्स की कार्रवाई है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ जनाब रिजवान अरशद साहब MLA शिवाजी नगर और वो भी इंशाल्लाह कल आएंगे और हमारे जो राज्यसभा हैं नासिर हुसैन साहब वो और कई अहबाब हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब शाफी सादी साहब और वक्फ बोर्ड के अराकीन और कई वज़रा जो रियासत कर्नाटक में इस बार जो नौमंतखब सरकार आई है उसके कई वज़रा और हुक्काम आने वाले हैं इंशाल्लाह। ये मेरा ये मानना है वली के दर पर वही आते हैं जिन्हें वली बुलाते हैं और जिन्हें अता करना चाहते हैं। इंशाल्लाह जो भी आएंगे हम अपनी दुआओं से वली अपने नज़र करम से उन्हें नवाजेंगे। कल इंशाल्लाह 9 बजे बाद नमाज ईशा चूँकि शिवाजी नगर का यह माहौल रहा है कि हर चौराहे पर हर रोड पर हर शाहराह में एक एक मस्जिद मिलती है और मस्जिद के अवकात भी अलग अलग है, इसलिए हम 9 बजे तक ईशा अदा कर लेंगे तमाम मसाजिद में। उसके बाद इंशाल्लाह उर्स की पुरनूर कार्रवाई में शरीक होंगे जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता आली जनाब मुराद आतिश साहब जो खवाल हैं और एक और हमारे असलम मुकरम साबरी ये दो हजरात इनके खवाली है कल जो इंशाल्लाह 9 बजे से शुरू होगी। मैं तमाम ज़ारईन से दूर दराज मुझे इस मीडिया के ज़रिए सुनने वालों से मेरी इल्तमास है गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को खूब अच्छी तालीम दें और एक बार का खाना कम करें मगर बच्चों की तालीम में कोई कमी ना लाएं और अगर कोई वाकई मुस्तहिक है तो हमारे इदारे से राबता करें। आज की कार्रवाई में अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की तरफ से एक एम्बुलेंस जो अवाम की सहूलत के लिए हमें दस्तियाब हुई वो भी हमने आज लॉन्च की है, इससे हम अहलियान मोहल्ला अहलियान शहर और बिरादरान वतन की खिदमत इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह।
हमारे मीडिया पार्टनर्स का मैं दिल की गहराइयों से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने आकर हमारी हौसला अफजाई की और हमारे इस जलसे को दूर दराज कई मुल्कों तक पहुँचाया, कई ज़ारईन तक पहुँचाया। मैं आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।